तेंदुए और जगुआर दोनों बड़ी बिल्लियां हैं, जो अमेरिका की मूल निवासी हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रजातियां हैं। यहां दो जानवरों के बीच कुछ प्रमुख अंतरों की तुलना की गई है। तेंदुआ जगुआर से छोटा और हल्का होता है। वयस्क तेंदुए का वजन लगभग 60 से 70 किलोग्राम होता है, जबकि जगुआर का वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। जगुआर की तुलना में तेंदुओं का लंबा पतला शरीर और पैर छोटे होते हैं। जगुआर में स्टॉकियर मांसल शरीर और लंबे पैर होते हैं। तेंदुए के कोट पैटर्न की विशेषता पंक्तियों में व्यवस्थित गोलाकार धब्बे होते हैं, जिन्हें रोसेट्स कहा जाता है। जगुआर में रोसेट भी होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर तेंदुओं की तुलना में बड़े और अधिक घने होते हैं। तेंदुए पूरे अफ्रीका और एशिया में जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों सहित कई प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। जगुआर केवल अमेरिका में, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें वर्षावन, आर्द्र भूमि और घास के मैदान शामिल हैं। तेंदुए एकांत जानवर हैं और दिन रात सक्रिय रहते हैं। वे अपने शिकार को कुशल पर्वतारोहियों और मैला ढोने वालों से बचाने के लिए पेड़ों पर खींच कर ले जाते हैं। जगुआर भी एकांत जानवर हैं, लेकिन वे अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। वे मजबूत तैराक होते हैं और जमीन के साथ साथ पानी में भी शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। तेंदुए सामान्य शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने आवास में उपलब्ध चीजों के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करते हैं। वे छोटे कृंतकों से लेकर बड़े हिरणों तक का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। जगुआर का आहार भी विविध होता है, लेकिन वे हिरण, पेकेरी और केमैन जैसे बड़े शिकार का शिकार करने में माहिर होते हैं। संक्षेप में, तेंदुए और जगुआर दोनों शक्तिशाली और फुर्तीले शिकारी हैं, लेकिन उनकी शारीरिक विशेषताओं, वितरण, व्यवहार और आहार में कुछ प्रमुख अंतर है। तेंदुए अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं और कई प्रकार के आवासों में जीवित रहने में सक्षम है। वे उच्च मानव आबादी वाले क्षेत्रों में तब तक फलने फूलने में सक्षम है जब तक कि पर्याप्त शिकार और पर्याप्त आवरण है। जगुआर तेंदुओं की तुलना में कम अनुकूलनीय और निवास स्थान के नुकसान और अशांति के प्रति अधिक संवेदनशील है। उन्हें जीवित रहने के लिए अबाधित आवास के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। जगुआर की तुलना में तेंदुए की गर्भधारण अवधि कम होती है। गर्भ के 90 से 105 दिनों के बाद 2 से 3 शावों को जन्म देती है। शावक अपने जीवन के पहले 18 से 24 महीनों के लिए अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। जगुआर की गर्भधारण अवधि लंबी होती है। गर्भधारण के लगभग 100 से 110 दिनों के बाद 1 से 4 शावों को जन्म देती है। शावक अपने जीवन के पहले 2 से 3 वर्षों के लिए अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। तेंदुए जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों सहित कई प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वातावरण के अनुकूल हैं और उच्च मानव आबादी वाले क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं जब तक कि पर्याप्त शिकार और पर्याप्त आवरण हो। जगुआर मुख्य रूप से वर्षावनों, दलदलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। वे घने वनस्पतियों और प्रचुर मात्रा में पानी वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं और तेंदुओं की तुलना में मानव अशांति के प्रति कम सहिष्णु हैं। टाइम्स तेंदुए कुशल पीछा करने वाले और हमलावर होते हैं और अपने शिकार को मैला ढोने वालों से बचाने के लिए पेड़ों पर खींच कर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। वे मजबूत पर्वतारोही भी होते हैं और पेड़ों में शिकार कर सकते हैं। जगुआर कुशल पीछा करने वाले और आक्रमण करने वाले भी होते हैं, लेकिन तेंदुओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली और मांसल होते हैं और गर्दन या खोपड़ी के एक ही काटने से शिकार को मारने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे मजबूत तैराक होते हैं और पानी के साथ साथ जमीन पर भी शिकार करने के लिए जाने जाते हैं।